नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। आज हम सीखेंगे हरे प्याज के पराठे बनाना, यानी कि स्प्रिंग अनियन पराठाज बनाना। ये बहुत ही आसान तरीका है पराठे बनाने का और ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है बनाने के लिए। हरी प्याज के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हरी प्याज। ये हमने बहुत बारीक काट लिया है, ये है लगभग 1 बोल। हमें लगेगा गेहूं का आटा, ये सेम बोल के हिसाब से 2 बोल्स मैंने आटा लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर ये 2 टीस्पून लिया है मैंने। फिर उसके बाद नमक, ये भी 2 टीस्पून है। ये है जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। ये अमचूर पाउडर है, ये हम ज़्यादा लेंगे, हमने ये 2 टीस्पून लिया है। या अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये है अजवाइन या कैरन सीड्स, ये हमने 1 टीस्पून लिया है। और हल्दी 1 टीस्पून। आटा बनाने के लिए हमें पानी लगेगा और तेल लगेगा हमें आटे में डालने के लिए, प्लस हमें पराठे रोस्ट करने के लिए भी तेल लगेगा। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब इस आटे में हम सारे मसाले मिला लेते हैं। चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और अजवाइन या कैरम सीड्स। इनको अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। सूखे मसाले मिक्स करने के बाद हम उसमें डालेंगे ये हरा प्याज, स्प्रिंग अनियंस, और इसको भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह आटा हमें हाथ से ही गूंदना पड़ेगा। बाकी सारे मसाले और ये हरा प्याज आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हरा प्याज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी प्याज और 2 कटोरी आटा लिया हुआ है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, जो पराठे करारे करने में हमारी मदद करेगा। ऑयल को अच्छी तरह से सब जगह पे मिला लीजिए। अब धीरे धीरे पानी डाल के हम ये आटा गूंद लेंगे। ये आटा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। हम इसे ऐसे ही 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी हमारे आटे को 20 मिनट हो गए हैं। इसको हम एक बार अच्छे से और गूंद लेंगे। अभी आटा गूंद कर हो गया है। अभी हम लोग इसकी लोई लेंगे। अपने हिसाब से आप लोई का साइज ले सकते हैं, जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें सूखा हुआ आटा लेना पड़ेगा। इतना साइज बेल के हम लोग इसके अंदर तेल लगा लेंगे। एक फोल्ड करके फिर से थोड़ा तेल लगाएंगे।
फिर से बेलना शुरू करेंगे। इसमें आप शेप भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप पराठा भी बना सकते हैं, राउंड शेप पराठा भी बना सकते हैं। अभी एक बार और मैं तेल लगाऊंगी इसमें तो अच्छा परत वाला पराठा हमें मिलेगा। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। अगर आपको ड्राई फ्लावर की जरूरत नहीं हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें ये हरा प्याज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब ये रोल हो चुका है पराठा और हमने तवा ऑलरेडी गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी हमारा तवा गर्म है तो हम ये पराठे को भी ट्रांसफर कर देंगे। एक बार परत लेंगे इसको। अब इसको एक बार पलट लेंगे हम लोग और इस साइड से हम लोग इसमें तेल लगाएंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे रखा है क्योंकि पराठे की बहुत सारी परतें हैं और ये बहुत पतला नहीं है तो इसे रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इवनली रोस्ट होना चाहिए हर साइड से, इसलिए हमें फ्लेम को इसमें मीडियम में रखना है। अब इस साइड से तेल लगाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बबल आ रहे हैं तो इसका मतलब नीचे से थोड़ा बहुत ये पक चुका है तो हम इसको एक बार पलट देंगे और दूसरी साइड से अच्छे से तेल लगा देंगे। मैं पराठा हाथ से पलट रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा पराठे बनाती हूँ तो, लेकिन आप कलछी का इस्तेमाल करिए ताकि आपके हाथ जले नहीं। इस पराठे को हमें दोनों साइड से अच्छे से देखना है। आप ये ब्राउन स्पॉट्स देख सकते हैं पराठे पे, इसका मतलब है ये अच्छे से सिक चुका है इस साइड से और इस टाइप का कोई कच्चापन हमें पराठे में नहीं दिखना चाहिए। सो अगर ऐसे दिखे तो हमें इसे पलट के थोड़ा दबा के हमें इसे अच्छे से दबा के हर साइड से सीखना है, कोई भी पार्ट उसका कच्चा नहीं रहना चाहिए। अभी पराठा सीख चुका है, हम लोग इसको निकाल देंगे। इसी तरीके से हम लोग बाकी भी पराठे बना लेंगे। अब हमारे सारे पराठे बन चुके हैं, दो कटोरी आटे के साथ लगभग 11 से 12 पराठे बन जाते हैं। आप इसको ऐसे ही किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे लहसुन की चटनी हुआ, ग्रीन चिलीज की चटनी हुआ, या फिर आप किसी भी वेज या नॉन वेज करी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसे प्रिफर करती हूँ नॉन वेज करी के साथ। आशा है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की अनेक आसान रेसिपीज पाने के लिए। थैंक यू।